भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अयोध्या की सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने अपनी कई मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे व प्रदेश महासचिव श्रीराम वर्मा ने बताया कि हम अपनी कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से थाना तारुण में एक विधवा महिला अनारा देवी का घर बुलडोजर चलवाकर पैमाइश की आड़ में गिरवा दिया और विपक्षी का मकान बनवा दिया, जबकि वहाँ अनार देवी का मकान है। इसकी सही से पैमाइश करवा कर न्याय दिलाया जाए। इसके साथ साथ धर्मशिला का बरसात में लगभग एक वर्ष पूर्व घर गिर गया था, विपक्षियों द्वारा इनका घर नहीं बनने दिया जा रहा है और ना ही रहने दे रहे हैं। इनकी जांच कर अनाधिकृत कब्जा हटवाया जाए। इसके साथ कई और समस्याएं हैं, यदि हमारी समस्याएं पूरी नहीं की जाती तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लोग लखनऊ में भी धरना देंगे। इसीलिए हमारी प्रशासन ने मांग की है कि तत्काल हमारी समस्या का निस्तारण किया जाए। यहाँ दर्जनों मामले 7-8 महीने से, जिस पर SDM तहसीलदार और DM बार बार आदेश करता है, इसके बाद BLO हीला हवाली लीपापोती करते रहते हैं। ऐसे दर्जनों मामले आज संकलित किए गए हैं जो पूर्व लंबित हैं, उन्हीं पर चर्चा हो रही है, उन्हीं को लेकर आज से आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन की कड़ी में आज शांति का रूप है, रणनीति तैयार की जाती है कि जा रही है कि क्या किया जाए आंदोलन की कड़ी में, और उस हिसाब से जब तक इन समस्याओं पर न्याय नहीं कोई दिलाने वाला मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। की कड़ी में जो आप जानना चाह रहे हैं वो मुद्दे हैं कि SDM और तहसीलदार बीकापुर मिल करके ये विधवा जो एक गरीब महिला है, इसका घर जो है बुलडोजर लगवा करके गाटा संख्या 110 की पैमाइश के नाम पर गाटा संख्या 111 में बने मकान को बुलडोजर लगा करके टेल दिया, और अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसकी पैमाइश करके चारों खूंटा गाड़ करके अलग अलग नंबरों को स्पष्ट कर दें। ये SDM गया था और मोबाइल से पैर से जो है नाप करके 5 मिनट में जो है चला आया, उसका कोई सीमांकन नहीं कराया। इन्हीं सारे ऐसे ही दर्जनों मामले हैं जिन पर अधिकारी स्वयं लिप्त हैं, SDM स्तर के अधिकारी इन मामलों में संलिप्त हैं। उनकी संलिप्तता का उदाहरण हमने आपको बता दिया, इनका अनारा देवी का जो सजहरा गांव की हैं और तहसील बीकापुर का है। मुख्यमंत्री को इसके बारे में, इस आंदोलन के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा और धरना यहां चलेगा और एक धरना मुख्यमंत्री के यहां भी चलाने की रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे समस्याग्रस्त लोगों को यहां से भेजा जाएगा और वहां भी हंडी कंडी चलेगी तब तक जब तक मुख्यमंत्री जी जिला अधिकारी और ऐसे अधिकारियों का हाल चाल नहीं लेंगे जो वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को जो है, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं और उनको जो है दूसरे लोगों को उनकी ज़मीन और उनके घरों पर कब्जा करा करके उन्हें बेदखल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हाल चाल मुख्यमंत्री जी लेंगे ये हम लोग, और उसी कड़ी में जो हम लोग कार्रवाई ऐसे चालू करते हैं। तो अभी 21 तारीख को आप देखे ही हैं कि DM का कार्यालय हम लोग गेट घेरे थे, DM गेट घेरे थे। 3 दिन हम लोग को हो गया यहाँ समस्या दी हुई है, अभी तक प्रशासन इस पर कोई लोड नहीं लिया है। जैसे अनारा देवी एक विधवा औरत है और विधवा औरत के द्वारा विधवा औरत का घर जो है, कोई अगर पैसा पूंजीपति हो तो किसी का घर गिरवा दिया जाए, ये प्रशासन में, ये सरकार में शोभा नहीं देता है। तो ये अनारा देवी का 10 नंबर का डाटा था विपक्षी का और 111 नंबर का डाटा इनका है, जो हाई कोर्ट का हवाला दे के इनका 111 नंबर को गिरा के और प्रशासन ने और घर बिल्डिंग बनवा दिया और प्लस्तर करवा दिया। ये समस्या हमने DM ADM और सबसे सारे लोग को हमने बता चुका है। इसके बाद ऐसे ऐसे समस्या राम सूरत का है कि जो यहाँ हमारे यहाँ का तहसीलदार थे, पैसा लेके इनके घर में लिंटर डलवा दिए, घर कब्जा करवा दिए, झूठी झूठी एप्लीकेशन में इनके खिलाफ एप्लीकेशन लिख दिया, तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसको लेके हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे, आंदोलन तब तक अब की चलेगी जब तक हमारी समस्या निपट ना जाएगी। अब की वार्ता से कोई हल नहीं, काम चाहिए तब धरना उठेगी। यहाँ भूख हड़ताल होगा, महिलाएँ जो भी होगा जो भी कर पाएंगी करेंगी, अगर यहाँ कुछ धरना चलेगी इसके बाद 2-4 दिन के अंदर में हम लोग कुछ महिला को वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे भेजेंगे। गोरखपुर में 5-6 महिला जिसकी समस्या है वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और हम लोग यहाँ धरना चलाएंगे। यहाँ हमने सूचना दे दिया था 21 तारीख को कोई आए या ना आए, हमारा काम है अपनी मांग मंगवाना, नहीं मानेंगे तो हमको मनवाना आता है। ये हमारी आज का, हाँ आज ऐसे अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक समस्या में प्रशासन द्वारा और यहाँ के SDM DM द्वारा अत्याचार तरीका से दबाया जा रहा गरीबों को, कुचला जा रहा है गरीबों का, यही हमारा प्रमुख मांग है।
अगर महिलाओं के साथ में अत्याचार होगी तो ये बर्दाश्त से बाहर है। अब किसान यूनियन अपने आप पे खड़ी होगी, अब जो भी होगा यहाँ प्रशासन जाने और यहाँ के जो देखने वाले इलाव विभाग वगैरह वगैरह है ये जाने, इसके बाद हम कुछ यहाँ से महिलाओं को भेजेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा कृष्णा नगर मथुरा।